किसी भी देश के डेलीगेशन के साथ फॉर्मल प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल इस प्रकार का एक गोल्फ खेलते हुए जो प्रोग्राम हुआ और दोनों यानी एक प्रकार का हरियाणा प्रदेश का और गोरिम कंट्री के बीच में जिस प्रकार का एक रिलेशनशिप का एक माहौल बना है, दोनों और एक प्रकार से समय दिखाने के लिए खुशी खुशी उन्होंने संपन्न किया है। और यहाँ तक सुझाव आए हैं कि और कंट्रीज के भी डेलीगेशन आए तो न केवल बिजनेस मीटिंग ही हो बल्कि इस प्रकार के इनफॉर्मल कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो निश्चित रूप से परस्पर संबंध बनाने में ऐसे कार्यक्रमों का उपयोग होता है। आज कोरियन टीम के साथ हमारी हरियाणा की टीम का गेम का जो एक प्रकार से कंपटीशन हुआ कुछ उन्होंने जीते कुछ उन्होंने जीते, लेकिन ज़्यादा मोस्टली कोरियन टीम ने जीते। ये ठीक है कि फाइनल मैच शायद हरियाणा ने जीता, लेकिन दोनों ओर से इन टीमों को भी बधाई देता हूँ और इस प्रकार का जो रिलेशन है इसके लंबे होने के मैं कामना करता हूँ। सरकार का जब कार्यकाल शुरू हुआ था तब निवेश हुआ था, हैपनिंग हरियाणा हुआ, उसके बाद अब लगातार जिस तरह से भी कोशिश की जा रही है, तो क्या सर आपका विदेशी भी दौरा है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि और निवेश अब और हरियाणा में आएगा? क्योंकि ये जो निवेश है इन्वेस्टमेंट है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसको किसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। बहुत से अवसर होते हैं जब इस प्रकार के ग्रुप्स नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने प्रपोजल सामने रखते हैं, एमओयू होते हैं। एमओयूज़ जिसको कहना चाहिए इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके बाद भी बहुत काम आगे चलने होते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ उस समय के इन्वेस्टमेंट हुए, कुछ बाद में भी मेरे कई कंट्रीज में जाना हुआ, वहाँ के भी इन्वेस्टर्स आए हैं, अब आगे भी लगातार चल रहा है। अच्छी बात यह है कि हरियाणा हैज़ नाउ बिकम वेरी फ्रेंडली डेस्टिनेशन टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने जो रिमार्केबल जो अचीवमेंट है हमारी कि हमारा जो रैंकिंग था दैट वाज 14th इन 2014 एंड नाउ इट इज़ जंप टू 3rd इन द कंट्री एंड फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। इसलिए लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का ये जो एक चांसेस है बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ रहा है। लेबर यूनियन का इनका बड़ी समस्या है, देखिए लेबर लॉज में तो हमने बहुत सुधार किए हैं और जहाँ तक लेबर यूनियन है उनके अपने कुछ मांगें होती हैं, हम बैठ करके अपने लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें सुलटा लेते हैं। फिर भी कोई ऐसी बड़ी समस्या कोई है नहीं, कोई आएगी बात को बातचीत करते हैं। जो अधिकारियों के बीच में बातचीत हो रही है हमारा कोई ऐसा मिलने का नहीं है।